गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो ये सारा सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि मैं आपको वैसे ही इजी तरीके से समझा दूंगी, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, वेरिएबल क्या होता है? कितने बच्चों को पता है वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये बताना है। तो मैं बताती हूँ आपको वेरिएबल क्या होता है। मान लो वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, एक पेन ले लेते हैं। आपको पेन लेने के लिए बोला जाता है, पेन, ठीक है। अब ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, और रेड कलर का भी हो सकता है, और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ठीक है। तो कलर में मैं लिखती हूँ पेन का कलर क्या होगा। कलर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है। तो क्या होगा, कलर को हम क्या मान सकते हैं? वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि कलर बार बार चेंज हो रहा है। तो और थोड़ा इसको इजी तरीके से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आफ्टर सम टाइम जो हमारी बॉडी है वो मोटे पतले तो हम होते रहते हैं, बट एक ग्रोथ हो जाती है हमारी। मतलब थोड़ा सा समझने के लिए समझो कि हमारी जो शरीर है, ठीक है, हमारी बॉडी है, जो चीज़ हम कपड़े रोज बदलते हैं, शरीर नहीं बदल सकते ना। तो कह सकते हो कि जो हमारी बॉडी एक तरह से कॉन्स्टेंट एज अ वर्क कर रही है, लेकिन जो कपड़े हम रोज बदल रहे हैं, कभी ब्लू कलर के पहन रहे हैं, कभी रेड के, कभी येलो के, कभी ब्लैक के, तो जो कप चेंज होता जो बार जो चेंज होता जाता है, जिसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? क्लोथ्स की, ठीक है, तो वो वेरिएबल कहलाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैथ्स की फॉर्म में किस तरीके से। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि x इज इक्वल टू वन है, तो वेरिएबल हमारा क्या हो गया? वन हो गया। अगर मैं कहूं x की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे टू हो जाएगी। इसको और अच्छे तरीके से समझोगे कैसे समझोगे? वैसे तो लाइव सेशन में करेंगे इसको, बट फिर भी बता देती हूँ। अब जैसे x प्लस टू है, ठीक है बेटा, तो मैं आपको कहूं कि x की वैल्यू टू रख दो। यहाँ पे मान लो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है p ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू टू रख दो। तो आप क्या करोगे, x की जगह टू रख दोगे, टू प्लस टू कितनी वैल्यू होगी? फोर होगी। किसकी? पी एक्स की। अगर मैं यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, अगर मैं कहूँ कि एक्स की वैल्यू आप फाइव रख दो, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे? फाइव, एक्स की जगह फाइव रख दोगे, और प्लस टू कितना हो जाएगा? सेवन, ठीक है। ये तो हमारी हो गई कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू बदलती रहे, ठीक है ना। अब बात हो रही है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे पहले, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव। सोल्व किस तरीके से किया जाएगा इसको? ओके, फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एन सर्कल गिवन इक्वेशन अगेंस्ट सीरियल नंबर। तो बच्चा देखो, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक ही वेरिएबल है आपका, ठीक है। ये भी हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि p हमारा क्या है यहाँ पर, p भी हमारा एक ही वेरिएबल है, t ये भी एक ही वेरिएबल है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, x प्लस फोर ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, 3y x z नहीं, इसमें तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। 2x प्लस फोर एंड x, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, x एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 3z, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यही फाइंड आउट करना था कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है इसमें। ओके, तो आज जब हमारी हम लाइव लेंगे, तो तब बेटा करेंगे इसमें हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का भी हम देखेंगे। ओके, तो ये